हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैशन टेल्स। आज हम लेके आए हैं चिकन का एक डिफरेंट रेसिपी, एक फ्राइड चिकन जो बहुत क्रिस्पी होता है और टेस्टी भी होता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं एक फ्राइड चिकन। इसके लिए पहले लेंगे चिकन। इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ कोरिएंडर एंड क्यूमिन पाउडर का मिक्स, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे में हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक देके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा बेसन। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बेसन का यूज़ किया है, ज़्यादा बेसन हम नहीं देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और लास्ट में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच टमाटर सॉस और थोड़ा सा लेमन जूस, और सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद लेंगे 2 अंडा और थोड़ा सा नमक देके इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। इसके बाद हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है और हमने जो चिकन रेडी करके रखे थे उसको अंडा में डिप करके हम 1 बाय 1 छोड़ेंगे। फ्लेम हमें मीडियम में ही रखना है और धीरे से हम चलाएंगे, और जब थोड़ा सा एक साइड हो जाएगा तब हमें फ्लिप करना है। ये होने में 5 से 6 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए मेरा हो गया है एक फ्राइड चिकन। आप भी घर में बना के देखिए, बहुत जल्दी भी बनता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।